शाहदी हजरात, मैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन अब्दुल वहाब, आप तमाम शाहदी हजरात का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ आवरी पर एटीएमएसओ की मरकजी काबीना की जानिब से हम खुशामदीद कहते हैं और हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मोहद्दिस साहब के हजरात, जैसा कि आपके इल्म में है कि एटीएमएसओ बानियों कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन का लगाया हुआ वो पौधा है कि जिसने एमक्यूएम जैसी मुल्क की तीसरी बड़ी और सबसे मुनज्जम सियासी पार्टी को अपने वतन से जन्म दिया और एमक्यूएम ने अपने कयाम से लेकर अब तक जो भी काढ़ाई नुमाया अंजाम दिए और इस मुल्क की फिरसूदा रियासत के शहर को तोड़कर जो मुल्क को नौजवान और मुखलिस कयादत दी वो आप तमाम के सामने रिकॉर्ड पर मौजूद है। मोहद्दिस साहब की हजरात, 11 जून 1978 अपने कयाम से लेकर आज तक एटीएमएसओ ने बानी कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन की खसूसी हिदायत पर इन की बेहतरी और तलबा व तालिबात की फलाह बहबूद के लिए वो मिसाली कारनामे सर अंजाम दिए हैं जिसका इनकार करना पाकिस्तान की किसी भी तलबा तंजीम के लिए नामुमकिन है। एटीएमएसओ ने रिवायत शिकन रहते हुए पाकिस्तान के हर उस फिरसूदा रिवायत को चिकना चूर किया है जिसने तालिबे इल्म और इल्म के फैलाव पर कदम लगाई है। आज पाकिस्तान को मुआशी, समाजी, इक्तिसादी, तवानाई और खुराक के बहरानों के अलावा अमनो अमान की नाकिस सूरत हाल, बेरोजगारी और गुर्बत का सामना है और इस मौजूदा हालात में इस मुल्क के नौजवानों व बाशऊर तलबा को कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि वो अपनी सलाहियतों को किस तरह और किस प्लेटफॉर्म पर खुलकर इजहार करें। लिहाजा इन तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन की खुसूसी हिदायत पर एटीएमएसओ ने यह बेड़ा उठाया कि इन तमाम मसाइल के हल के लिए अमली इकदाम किए जाएं और इसके जरिए मुतालिका और गैर मुतालिका अफराद को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके इनकी तजुर्बाकाराना राय को अहमियत दी जाए और इनकी हौसला अफजाई और पजीराई की जाए। मोहद्दिस साहब के हजरात, पाकिस्तान के तलबा और तालिबात की फलाह बहबूद के लिए जहां एटीएमएसओ के तहत पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी तलबा तंजीम के प्लेटफॉर्म से सिटी ओलंपिक्स, मुफ्त कुतुब मेले, आलमी मुशायरे, क्रिकेट टूर्नामेंट्स, मुबाहिसे, तकारीर के मुकाबले, हफ्ता सफाई, शजरकारी मुहिम और मुख्तलिफ अहम मौजूआत पर सेमिनार, करियर काउंसलिंग, अमन वॉक, फन मेले और इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज और जामियात के में दाखिलों के सिलसिले में मॉडल प्री एंट्री टेस्ट और दीगर निसाबी व हम निसाबी प्रोग्राम मुनक्किद किए। वहां गुज़श्ता साल 7-9 जून 2011 को अपने ज़ेली समाजी इदारे एकेडमिक एंड सोशल सर्किल के तहत कराची एक्सपो सेंटर में री इंजीनियरिंग पाकिस्तान एग्जीबिशन के उन्वान से उस शहरोजा नुमाइश का इनेकाद किया जिसको पूरे पाकिस्तान में पजीराई हासिल हुई जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान के तलबा व तालिबात को ऐसा माहौल और प्लेटफॉर्म फराहम करके देना था कि जहां वो खुलकर दुनिया के सामने अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकते और अपने बेहतर मुस्तकबिल का चुनाव कर सकते और एक छत के नीचे मुल्की और गैर मुल्की कंपनी और अपने दरमियान हाई खला को पुर कर सकते।
उस शहरज़ा नुमाइश में के 500 से ज़ायद नामवर सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारों ने शिरकत की और सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी कार, सोलर कार, टैंक, शिप्स, ड्रोन, फ्लाइंग मशीन, एयरक्राफ्ट, एयरपोर्ट, एरोप्लेन, सबमरीन, रोबोट, व्हीलचेयर, ट्रैफिक सिग्नल और जदीद तकादों से हम आहंग 300 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की। मौजूद साहबी हजरात, एक बार फिर APMSO तलबा और तालिबात की फलाह और बहबूद के लिए किए जाने वाले इकदामात की रिवायत को बरकरार रखते हुए 11 जून 2012 APMSO के 34वें यौम तासीस के मौके पर पाकिस्तान का तारीख साफ तुलबा कन्वेंशन मुनक्तिक करने जा रही है, जो पाकिस्तान की तारीख में वो भाव रकम करेगा जिसके दूरस नताइज बरामद होंगे। इस कन्वेंशन से बानी कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन खसूसी खिताब फरमाएंगे, जबकि इस कन्वेंशन में पाकिस्तान के तालिब इल्मों की नुमाइंदगी करते हुए एक मुत्तफिका करारदाद भी पेश की जाएगी, जबकि अपने अपने शोबों में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात को खुसूसी इनामात से भी नवाजा जाएगा। मौजूद सहाफी हजरात, APMSO ने अपने 34वें यौम तासीस के सिलसिले में इस कन्वेंशन से पहले दीगर प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए हैं, जिनमें 6 जून की शाम 5 बजे जिना ग्राउंड अजीजाबाद में तलबा अदालत मुनक्किद की जाएगी, जिसमें तालीम के हुसूल में और तालीमी निजाम में इस्लाहात के हवाले से दरपेश मसाइल को जेरे बहस लाया जाएगा। और इस प्रोग्राम में महकमा तालीम, वजारत तालीम, असाज़ा, तलबा और तालीम से वाबस्ता दीगर शख्सियात को भी मदु किया जाएगा, जबकि 7 और 8 जून 2012 को जिना ग्राउंड में ही दो रोजा कुतुब मेले और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की नुमाइश भी मुनक्किद की जाएगी, जिसमें नामवर तालीमी इदारों के तुलबा और तालिबात के प्रोजेक्ट नुमाइश के लिए पेश किए जाएंगे। जबकि इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक के फौरी बाद APMSO एक बार फिर री इंजीनियरिंग पाकिस्तान एग्जीबिशन की दूसरी नुमाइश और सिटी ओलंपिक्स मुनक्किद करेगी। मौजूद साहबी हजरात, हम आप और आपके इदारे के तवस्सुत से अहलियान पाकिस्तान को पाकिस्तान के तलबा और तालिबात और नौजवानों को इन तमाम प्रोग्रामों बिलखसूस 11 जून 2012 को जिना ग्राउंड अजीजाबाद में मुनक्किद होने वाले तलबा कन्वेंशन में शिरकत की दावत देते हैं। मैं एक बार फिर यह बात दोहराता चलूं कि 11 जून 2012 को APMSO तलबा कन्वेंशन मुनक्किद कर रही है, जिसमें आप लोगों के तवस्सुत से हमारी ये दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के हुनरमंद तलबा और तालिबात इस प्रोग्राम में शिरकत करें। आखिर में आप तमाम सहाफी हजरात के हम मशकूर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम्स की भरपूर मीडिया कवरेज के जरिए हमारी हौसला अफजाई करेंगे। जैसे आपने सवाल किया कि हमारे प्रोग्राम्स सिंध भर की तमाम शहरों में जो है वो मुनक्किद हुए हैं और सिंध से आगे पंजाब में भी हमारे प्रोग्राम्स जो है वो मुतवातर होते रहते हैं, और इसी सिलसिले की कड़ी में पंजाब में बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने वहाँ पे कुतुब मेले का भी इनेकाद किया था, जो कि जो है वो बहुत कामयाब हुआ था। पंजाब के 37 डिस्ट्रिक्ट में से APMSO 27 डिस्ट्रिक्ट में अपने यूनिट ऑफिस जो है वो खोल चुकी है। 11 जून के हवाले से
जो तालिब इल्म है वो तो इंशाल्लाह फरीदाबाद में जो है वो शिरकत करेंगे, बाकी मरकजी प्रोग्राम जो है वो जिना ग्राउंड में है। तो हमारी कोशिश भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा तलबा और तालिबात इस प्रोग्राम में जो है वो शिरकत करें। अभी ये सिलसिला जो है आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके बाद इंशाल्लाह ये चीजें लाइनअप है। बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी ने तो हमें कंफर्मेशन दी है वहाँ के स्टूडेंट्स ने कि वो इंशाल्लाह जो है वो जरूर जो है वो आएंगे। देखिए ये बेसिकली स्टूडेंट्स का एक कन्वेंशन है, तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं चाहे जिस भी तलबा तंजीम से हों किसी भी तलबा तंजीम से हों वो सब इसमें जो है वो शरीक हो सकते हैं। उम्र की एक हमने एक हद रखी है कि मैक्सिमम 25 ईयर्स हो।